गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, और एक नई सुबह के साथ नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, जो काम है वो काम करने के लिए पहुँचते हैं, जो अपना छपरा बनाने का है। तो ये अपनी दराती सब लेके रेडी, चलो आपको भी दिखाते हैं व्लॉग में। आप कंटिन्यू बने रहे और इस व्लॉग का आनंद लेते रहे। ये इतना थोड़ा बाकी है तो इसको फटाफट से बाहर से लकड़ियाँ बांध देता हूँ। उसके बाद में फिर जो चारा रहता है ना, वो चारा इसमें बसाएंगे, मतलब इसमें लगाएंगे। वो अलग टाइप का चारा होता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो दोस्तों, प्रकाश मुझे क्या पूछ रहा है कि बराबर है या नहीं है। वो सटल बिठा रहा है दोस्तों, क्योंकि उसके पापा का डर उसको रहता है कि ऐसा बना है। ये पूरा यहाँ पे हुआ है ये, और ये साइड का वो थोड़ा बाकी है ना। तो अभी थोड़ा थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं और धनुष बेबी के पास भी जाके बैठते हैं, क्योंकि धनुष बेबी ना बहुत टाइम से अकेला खेल रहा है, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके पास जाके बैठता हूँ, अब व्लॉग का मज़ा लेते रहिए। दोस्तों सारा काम ख़त्म करके मैं अभी गया था खोरी, तो आप ये देख सकते हैं सारा सामान, ये पूरा जो भी है सब मटेरियल रेडी हो रहा है। ये चना चाट के लिए और उधर बॉयल अंडों के लिए पूरी तैयारी चल रही है। तो आपको मैं बैक कैमरे से पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चना चाट का पूरा सलाद तैयार हो रहा है। ये टमाटर इधर, ये नींबू है, चटनी है, और उधर वर्षा बॉयल अंडों की तैयारी कर रही है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं दिनेश भाई के घर पे आ गए हैं। तो आपको तो पता है दोस्तों, दिनेश भाई के घर पे मुझे आना पड़ता है, और जब मुझे टाइम रहता है फ्री और नहीं टाइम रहा तो दिनेश भाई को अपने घर पे बुला लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दिनेश भाई का जो ब्लॉग था उसका एडिटिंग चालू था, अब एस्कॉर्ट हो गया है काइन मास्टर से, क्योंकि दिनेश भाई को एडिटिंग नहीं आता था, बट अभी आने लगा धीरे धीरे करके। दिनेश भाई को भी सिखा दिया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे नहाने का भी आज टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, और ऊपर से आप काम जैसे ख़त्म हुआ बारिश शुरू हो गई, तो मैंने सोचा चलो फटाफट दिनेश भाई का काम ख़त्म कर देता हूँ। और मेरी भी ब्लॉग एंड करने का समय आ चुका था, क्योंकि ज़्यादा लंबी ब्लॉग हो जाएगी दोस्तों, तो आपको भी बोरिंग फील होने लगता है। इसीलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करेंगे। ऐसे ही कुछ खास लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपसे आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।